सुबह वकील और अब चोरी से जी काका के कमरे में जाना। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये तीनों। ये चाबी तो, लेकिन ये इनके पास कैसे? हे भगवान, कहीं लोगों ने ये चाबी बहुरानियों से चुराई तो नहीं? हे भाभी, पहले देख लीजिए ना, जो काम हमने किया है वो पक्का हुआ है कि नहीं। I'm not doing feel bad. जो काम कोकिला करती है ना, वो हमेशा पक्का ही होता है। काम पर वापस रख देते हैं। एक मिनट, इसने जो टोक लगाई है ना, जरा देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं। कौन से पेपर्स हैं ये, और ये तीनों करना क्या चाहते हैं? इस चाबी का राज क्या है? तू भी देख, ये तीन बहुरानियों के नाम, ये विटनेस के तौर पर वृंदा का नाम। ये बातें जल्दी कीजिए ना। और उसके बाद में फोन करती हूँ। जानकी, ये चाबी। कौन सी चाबी मासी? ये चाबी तुम्हारे पास? जी काका, जब से इस घर की जिम्मेदारी हम पर सौंप कर गए हैं, ये चाबी मेरे पास ही होती है। पर आप क्यों पूछ रही हैं मासी? आखिर बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं, जाओ जाके सो जाओ। आप भी तो सोइए, कितनी देर हो चुकी है? देर ना हो जाए इसीलिए तो सोना नहीं चाहती। मतलब? अरे मतलब, जब तक तू आराम नहीं करेगी तेरी मासी कैसे सो सकती है? जा जाके सो जा। ठीक है, दूध रखा है, ध्यान से पी लीजिएगा। पी लूंगी मेरी माँ, जा। ओके मासी, गुड नाइट। गुड नाइट। जानकी के पास अगर ये चाबी है तो उन तीनों के पास? इसका मतलब तीन महारानियों के पास जी काका की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी है। हे भगवान, करनी किसी की और भरनी किसी की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप तीनों भाइयों को एक साथ पूजा में देखकर बहुत अच्छा लगा। तिथि के अनुसार आज हमारे दादाजी का श्राद्ध है और हम तीनों भाई हर साल इसी तरह आज के दिन दादाजी की पूजा करते हैं। प्रताप जीजाजी ने कहा था मुझसे कि घी वाला परिवार के संस्कारों की नींव मजबूत है, आज देख भी लिया। वृंदा जी, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना?
अपने घर में बेटी को दुखी देखकर तकलीफ तो होती है मनहर भैया, और कोई तकलीफ नहीं, बस इतना ही। देखिए, हमारी पत्नियों की कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम तीनों भाई आपकी माफी मांगते हैं। नहीं नहीं कांति भैया, मुझे भाभी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत है तो इस घर में होने वाले गलत से। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा हो जिससे आप तीनों को या परिवार के किसी भी सदस्य को बुरा लगा हो तो नहीं नहीं आप ये क्या कह रही हैं आप? बापूजी कहते हैं मेहमान तो भगवान का रूप होता है। देखिए आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो हमें बताइएगा, और हाँ इस घर को भी आप अपना ही घर समझिए, सेम टू सेम। चलो कम से कम ससुर जी के मामले में तो तीनों बबरानियां नसीब वाली है, लेकिन माँ ये मेरी भी परीक्षा है। इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं इस परिवार को बिखरने से बचा पाऊं, तीनों बहुरानियों की मदद कर पाऊं। हेलो, एक्चुअली मैं इंदिरा आंटी से मिलने आई थी तो सोचा आपको भी हेलो बोलती चलूं। तो कहां तक पहुंचा तुम्हारा डिवोर्स का मामला? वैसे अगर समीर को पाकर इस घर में आना चाहती हो तो तुम्हें अपना रास्ता भी तो साफ करना होगा। काम काफी शार्प है आप। हाँ तो तभी तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। काम वैसे एक मौके की तलाश में हूँ मैं। किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, ये भी तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया तुम्हें? मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे माँ बाप को प्लीज बीच में मत लाइएगा, और मुझे कोई शौक नहीं है आपके कमरे में आने का, काम था इसलिए आई। तो मैंने क्या निमंत्रण पत्रिका लिख कर तुम्हें बुलाया है? बोलो क्या काम है? पापा जी ने जी काका के इंश्योरेंस पेपर्स रिन्यू किए हैं, वो लेने आई हूँ। देख रही हूँ इतना सब कुछ करने के बाद भी गिल्ट नहीं है तुम्हें। क्या मैं पूछ सकती हूँ मुझे बदनाम करके तुम्हें क्या मिला? ऐसे काम करने का ना ही मुझे कोई शौक है और ना ही जरूरत। एंड बाय द वे, जो लोग ऑलरेडी बदनाम हैं, उनके पीछे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। मन उससे बात करने की तमीज भी मुझे सिखानी पड़ेगी अब। मेहमानों को अपनी मर्यादा में रहना सीखना चाहिए मम्मी जी। यही बात जी काका ने भी आपके डैडी जी को सिखाई। बहुत सर पे चढ़ गई है ये लड़की। एक ही पल में सर से उतार कर आपके पैरों में डाल सकती हूँ इसे। आपकी बहू है इसलिए चुप रह जाती है। सबक तो मैं भी सिखाना चाहती हूँ इसे। तो ठीक है, समझिए कि आपका काम हो गया। उसके बाद ये और इसका ये घमंड कहीं का नहीं रहेगा। चलती वाकई में खिलाड़ी तुम भी कम कमाल की नहीं हो। कहाँ
जानकी, मुझे अलमारी की चाबी चाहिए जी काका के इंश्योरेंस पेपर्स रखने। थैंक यू। अगर इस बार भी अलमारी से कुछ चोरी हो जाए तो मुझे दोष मत देना। चोरी का इल्जाम मैंने नहीं लगाया था बिंदिया, जो तुम मुझे सुना रही हो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने तुम्हें जौहरी को पैसे देते हुए देखा था। That's it. Oh, really? बिंदिया, मुझे इस टॉपिक पर बहस नहीं करना है क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों ने मुझे गलत समझने की कसम खाई ली है। So be it. तुम अगर निर्दोष हो तो तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा मुंशी। तुम्हें साबित करना होगा कि वो फोटोग्राफ तुमने न्यूज़पेपर में नहीं छपवाया था। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोई जरूरत नहीं। जिसे जो समझना है समझ ले। हम तीनों ने एक साथ इस घर में कदम रखा था। अपनापन, प्यार और विश्वास से एक नाता बनाया था। क्या वो सब झूठ था, दिखावा था? क्या कभी हमने सोचा भी था कि इस घर की ये तीनों बहुरानियां एक दिन एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगी? जानकी सोचो एक बार, बिंदिया ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है? जी काका के रूम में कौन है? वृंदा मासी? चाबी आपके पास कैसे आई? बताइए मासी जी, ये चाबी बनकर कैसे आई आपके पास? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप भी ऐसा कुछ करेंगी। एक ही अलमारी की दो दो चाबियां? मैं तो अलमारी में सिर्फ ये पेपर्स रखने जा रही थी, लेकिन अब उस अलमारी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। चाबियों को लेके जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी मासी जी, क्योंकि जो आप कर रही है वो सिर्फ गलत नहीं, फ्रॉड है, फ्रॉड। आप ये सब क्यों कर रही है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं जरूर देखूंगी आप अपना गुनाह सबके सामने कब और कैसे कबूल करती है। तुम्हारी मासी क्या करना क्या चाहते हैं? ये तुम क्या कह रही हो मंची? तुम्हारे मासी के पास ये अलमारी के डुप्लीकेट चाबी कहाँ से आई? क्या? तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रही हो? अभी ये चाबी उनसे लेके आई हूँ मैं। तुम मेरी मासी पर अब इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी? इल्जाम तो अब मुझ पर और बिंदिया पर लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारी मासी है ना।
तुम्हें तो बचा लेगी, है कि नहीं? मंजीत तुम अपने हद पार कर रही हो। हद तो तुम्हारी मासी पार कर रही है। मेहमान बनकर आई है ना इस घर में, फिर उन्हें क्या जरूरत है ऐसे गंदे खेल खेलने की? अगर वो सच्ची है तो वो एक चिप चिप कर क्यों कर रही है? उनकी हरकतें देखकर तो लग रहा है कि वही हमारी दुश्मन है। मंजीत नहीं, जानकी। जानकी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? ये जानते हुए कि मैं तुमसे बड़ी हूं, अब तो हमारा रिश्ता, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है ना मुझ पर? पूछो तुम्हारी मासी से, पूछो क्या ये चाबी मैं इनसे नहीं लाई हूं? हाँ। ये तुम्हारे पेपर्स और ये चाबी, अब इन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी मैं। और इन चाबियों को लेके अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी मासी होगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल उठे हैं जानकी, और तुम्हारे सवालों का जवाब है मेरे पास, लेकिन ये वक्त नहीं है जवाब देने का। चाबी दो मुझे। दुनिया इधर से उधर हो जाए जानकी, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलती। अगर अपनी इस मासी पर विश्वास है तो दो चाबी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म और सत्य की जीत के लिए बोला गया झूठ पाप नहीं होता। तुमने आज विश्वास किया मुझ पर, और मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। वृंदा का तो मजा आएगा, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा बोल, सही तो कह रही है भावना। वृंदा तो अब गई बारा के भाव में। अरे हाँ, तुमने चाबी तो संभाल कर रखी है ना? अभी चाबी आपके पास है। मैं तो भूल ही गई, चाबियां तो हमेशा बड़ों के पास रहनी चाहिए। सच का आपने समझा, नहीं समझा। चाबी बड़ों के पास ही होनी चाहिए। अरे आपके पास भी एक चाबी है?